नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको मालूम है प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए कहा, 4 घंटे के बाद पूरा देश लॉकडाउन में चला जाएगा। सिर्फ 4 घंटे मिले 21 दिनों के लॉकडाउन से निपटने के लिए। देखते ही देखते 4 घंटे बीत गए, देश लॉकडाउन में चला गया। और उसके बाद गली मोहल्ले चौराहे शहरों में राज्यों में हड़कंप मच गया। इस बीच आपने देखा होगा पीएम मोदी ने बयानों के बाद, उनके निर्देशों के बाद बस में रेलवे स्टेशनों पर एक भीड़ देखने को मिला, जो मजदूर किस्म के लोग या ये कह सकते हैं जो रोज़ कुआं खोदना रोज पानी पीना जो एक कहावत है, कहीं ना कहीं ये सच हुआ और लोग अपने गांव अपने घर पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। और लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीर है जो आप सबने देखा होगा, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन इस बीच, इस हड़कंप के बीच कुछ लोग जो ट्रेनों में जैसे तैसे चढ़ गए, लेकिन जो लोग नहीं चढ़ पाए, जो लोग नहीं पहुंच पाए अपने वतन, वो किस तरह से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके लिए संकट से कम नहीं है। और दूसरी तरफ जनता दौड़ पड़ी उस और दुकानों की ओर खरीदारी करने के लिए, यानी 21 दिनों के लिए जिंदा रहने के लिए। राशन की दुकानों पर ये वो लाइन है, ये भीड़ है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, ये तस्वीर है मुलुंड, जो वहाँ पर मॉल है डीमार्ट की, वहाँ पर जो है ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से लोग भीड़ लगाए हुए हैं राशन खरीदने के लिए। अब आप ये सोचिए, जब मध्यम लोगों की ये हाल है तो 21 दिनों तक बिना किसी आजीविका के घर चलाने के बारे में, जो गरीब है, बहुसंख्या आबादी है इस देश की, वो कितना पैनिक में गई होंगी, इसका अंदाजा हमें और आपको नहीं होगा। गरीब कैसे इस हालात से निपटेगा? प्रधानमंत्री से लेते हुए पूरी सरकारें ने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं बोला कि वह देश के बहुसंख्या 21 दिन कैसे रहेगी कोरोना वायरस से निपटने के लिए। कोरोना वायरस के समर्थन में आज पूरा देश है, आम जनता प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन कर रही है। लेकिन सामने एक संकट है, उसे कैसे निपटे ये किसी ने नहीं सोचा। 14 अप्रैल तक आपने सुना होगा, हमने भी सुना है वो भाषण, जन जन को अपने घरों में बंद रहना है, घरों में रहना है, इसकी अपील की है। मगर अफसोस, उन गरीबों के घरों में अनाज है या नहीं है, इसकी चिंता करना किसका काम है? गरीब मजदूर भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए कौन आगे आएगा? सरकारें तो ऐलान किया है, मेडिकल दवाखाना हॉस्पिटल राशन की दुकान दूध की दुकान सब्जियों के दुकान खुले रहेंगे, खुला भी है। लेकिन अब उन गरीबों के पास पैसे ही नहीं है इन दुकानों पर जाकर राशन खरीद के लाए। क्या सरकारें उन्हें मुफ्त में राशन मुहैया कराएगी? जो झुग्गी झोपड़ियों में चालियों में रहते हैं, जो रोज कमाकर अपनी परिवार का पालन करते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है, दिहाड़ी करते हैं, वे कैसे जिएंगे? वे कैसे 21 दिन झेलेंगे? आज पूरा देश लॉकडाउन में है। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के पास एक ही उपाय है, लॉकडाउन, जिसका देश समर्थन किया है, उनके निर्देशों का पालन किया है। लेकिन सरकार इस 21 दिन की लॉकडाउन से पहले सरकार, प्रधानमंत्री ने उन मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे और भी देश में किसी तरह का फैसला लेने से पहले उस देश में रहने वाले जनता के बारे में सोचती है। आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? उन मजदूर बेरोजगार दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों के बारे में आपने तो अपने संबोधन में लक्ष्मण रेखा की बात कही। आपसे और हमसे लक्ष्मण रेखा को हम पार नहीं करेंगे, यानी घर से बाहर नहीं निकलने की ये घोषणा 8 बजे की, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण रेखा को पार करते हुए पहुंचते हैं अयोध्या। 25 तारीख को 4 बजे अयोध्या में मूर्ति की स्थापना करते हैं पूरे लश्कर के साथ। इतना ही नहीं, वहाँ से लोगों को संबोधित भी करते हैं। मेरा इस सरकार से सीधा सवाल है, क्यों ये लक्ष्मण रेखा तोड़ी गई? एक तरफ प्रधानमंत्री अपने संबोधन में खुलकर बोलते हैं, इस दौरान 21 दिनों में किसी तरह का धार्मिक सामाजिक राजनीतिक
कोई भी आयोजन नहीं होगा। क्या ये बात मुख्यमंत्री पर लागू नहीं होता? आप देखें ये तस्वीर में कितना डिस्टेंस है वो भी आप देखें, और कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क भी नहीं लगाया है। क्या इन पर वो कानून लागू नहीं होता? अब ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर क्या कह रही है आप अंदाजा लगाएं। ये दिहाड़ी मजदूर जो है, काम करने वाले पैदल गांव जा रहे हैं, ये मजबूर है, ये बेसहारा है, सब कुछ बंद है। इनका कहना है यहाँ भूखा मरने से अच्छा है वो अपने गांव वतन जाएंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे। बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।